आपकी हर बीमारी हो जाएगी दूर बिना डॉक्टर जब आपके हाथ लगेगी ये छोटी सी मिनी कूपर और ये बॉक्सटर। हमने आपके लिए बहुत सारी कार्स का रिव्यू कर रखा है, चाहे वो छोटी सी MG कोमेट EV हो या फिर बड़ी बड़ी मस्टैंग, और आज हमारे पास है ये बॉक्सटर और ये मिनी कूपर। इसमें घोड़े जैसी ताकत और इसका एक कातिलाना प्यारा सा लुक। सामने ये पोर्शे का लोगो, ये दो बड़ी बड़ी हेडलाइट जो हिलती हैं, और साथ में हेडलाइट वॉशर, और ये इसका एरोडायनामिक लुक। यहाँ हर तरफ से हवा पास होती है ताकि ये गाड़ी हवा को चीरते हुए निकल सके। इसके दोनों तरफ ये एयर विंड मिलते हैं, और ये है इसका स्पॉइलर जिसको हम जब चाहे ऊपर कर सकते हैं ताकि हमारी स्पीड एकदम बरकरार रहे। और ये दोनों ही कन्वर्टेबल कार्स है, मतलब इनकी छत भाई फोल्ड हो जाती है, मतलब बरसात में मासूका के साथ हो या फिर धूप में अपने साथ, पूरा एकदम बंद कर सकते हो, जब चाहो इसको खोल सकते हो। काफी कूल लग रही है ना। इन दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है। सबसे पहले अपने आईफोन से नापता हूँ कि क्या आईफोन नीचे रह सकता है। हाँ भाई, आईफोन तो चला गया, हमने दुबई में ट्राई किया था तब तो नहीं जा रहा था। मतलब फरारी और लेम्बोर्गिनी का बहुत कम होता है, इनका फिर भी अच्छा है, मतलब ये इंडियन रोड पे सर्वाइव कर सकती है। भाई इसका कम है और इसके अंदर भी आईफोन जा रहा है, मतलब यार ये भी सर्वाइव कर सकती है, बस धीरे धीरे चलाना पड़ेगा एकदम प्यार से सहला सहला के। मिनी कूपर के अंदर बेचारे छोटे छोटे से अलॉयज हैं, यहाँ पे 17 इंचेस के टायर मिलते हैं, वहीं ये 19 इंचेस का अलॉय है जो नई वाली सफारी में इंट्रोड्यूस किया है। पोर्शे के अंदर है 4000 cc का इंजन जो 294 bhp की पावर को प्रोड्यूस करता है, और इसका इंजन कुछ ऐसा, इसका इंजन नीचे आता है इसलिए इसके अंदर इंजन नहीं है भाई, थोड़ा मिस हो गया हमसे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेपनी रखी हुई है इसकी, और कुछ तो बैग है, और होपफुली पीछे भी भाई खाली होनी चाहिए। यस, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में इंजन एक्चुअली बहुत ही बड़ा होता है, और इतने बड़े इंजन को नीचे फिट करना बहुत ही बड़ी टेक्निक है। और इसके अंदर इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर में हर जगह क्रोम लाइनिंग का यूज हुआ है। हाँ, क्रोम आजकल बहुत सस्ती गाड़ियों में मिल जाता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसको देखते हैं ये कितनी भरी हुई है। ओ भाई, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो इसके अंदर दिया हुआ है वो उसके अंदर सीट के नीचे है। ये एक 2.0 लीटर का ट्विन टर्बो इनलाइन इंजन है जो बेसिकली 189 bhp की पावर को प्रोड्यूस करता है। अभी मेरी पावर खत्म हो जाती है। और जितना पोर्शे का स्पोर्ट्स लुक है, बैठने में डिफिकल्टीज होती है, ये उतनी ही आसान है। नहीं यार भाई, उतनी भी आसान नहीं है, ये छोटी उतनी ही है, जिसकी वजह से मेरे जैसे 6 फुट हाइट वालों को बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर इसको खरीद रहे हो तो छोटी हाइट है तभी खरीदना, वरना भाई रोजाने की मुश्किल हो जाएगी। और इसमें पूरा एरोप्लेन वाला सिस्टम लगाया गया, मतलब मैकेनिकल बटन बहुत ही ज्यादा है। इसको जैसे ही मैं ऊपर करूंगा ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। भाई इसकी डिस्प्ले कितनी ज्यादा ब्राइट है, वाओ, टच देख रहे हो, ये तो आईफोन का 120 Hz है भाई। इसमें मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सर्कुलर में मिलती है, मतलब हर चीज इसकी सर्कुलर डिजाइन में मिलेगी आपको। ऐसे AC वाले वेंट भी सर्कुलर में है, वहां पे स्पीकर्स जो हैं वो भी सर्कुलर में है, साथ ही में डोर ओपन क्लोज करने का भी ये सर्कुलर में देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात लॉक अनलॉक का यहाँ इसके ऊपर ही है भाई, सब कुछ मूव होता है। और भाई आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं, आप जितने ज्यादा पैसे दोगे गाड़ी में, गाड़ी उतने ही ज्यादा नॉर्मल फीचर्स देने लग जाती है। इसमें देखो, ये लॉक अनलॉक के लिए ये वाला बटन मिलता है, सेम ये बटन मारुति 800 में भी मिलता था भाई। अब थोड़ा सा इसका भी पावर देख लेते हैं, हमने पोर्शे को मस्त दौड़ाया है, अब हैंड ब्रेक रिलीज किया और अब थोड़ा सा थ्रोटल टेस्ट हो जाए इसका। कुछ ज्यादा स्पीड में भगा दी, डिग्गी खुल गई, और ऐसे ही इसको डाउन करके ये वाला इंजन बंद हो जाता है। भाई मैंने एक चीज और देखी, आप ऊपर करो नीचे करो, देखो ऐसे ही ऑफ हो गया, ऊपर ही करूंगा ऑन भी हो जाएगी। इसका साउंड सुनाता हूं आपको, और मिनी कूपर बिलोंग करती है UK से, तो यहाँ पे इसका फ्लैग भी देखने को मिलता है। पहली ऐसी कार है जिसकी टेल लाइट के अंदर आपको फ्लैग देखने को मिलता है। अब मैं देख रहा हूँ जल्दी से टाटा और महिंद्रा भी ऐसी कोई सुपर कार बनाए और उसके अंदर भी फ्लैग डाले इंडिया का, तो एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ये ग्लास जो है डायरेक्टली नीचे हो जाता है और बंद करते ही ऊपर। और अगर भाई आप ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो आपके नीचे यहाँ पे इंडियन ऑयल की पर्चियां हर वक्त मिलने वाली है, क्योंकि तेल ही इतना ज्यादा पीती है। और इसका इंटीरियर बिल्कुल स्पोर्टी देखने को मिलता है। पहले मेरे को मिला ही नहीं इसका बटन कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, और अभी मेरे को इसकी चाबी नहीं मिली। भाई ये जो मॉडल है वो बॉक्सटर 718 है,
पूरा स्पोर्टी लुक आपको देखने को मिलता है इसका। और ये पोर्शे की घड़ी है, जितने भी आप पोर्शे की कार्स लोगे सबके अंदर आपको ये वॉच मिलेगी। और ये गाड़ी चाहे बंद हो चाहे चालू हो, ये हर वक्त ऑन रहने वाली। उसकी चाबी जो है वो बिल्कुल कार की शेप में आती है। इसकी कार की चाबी को यहाँ पे आपको लगाना है और जैसे नॉर्मल चाबी से आप कार स्टार्ट करते हो वैसे ही आपको इसको घुमाना है और ये स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी आवाज ये भाई फुली स्पोर्ट्स वाइब देती है। ये है इसके पैडल शिफ्टर्स, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पे एक गोल सी गोली मिलती है इसको किसका किसका के आप यहाँ पे चीजें मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिकल बटन्स मिलते हैं। ये एक छोटी सी डिस्प्ले है जिसका टच रिस्पॉन्स इतना ज्यादा कमाल का नहीं है। और साथ ही में इसका जो ग्लोव बॉक्स है उसके अंदर भी आपको चार्जिंग और ऑक्स के लिए पोर्ट मिलते हैं। और यहाँ आपको एयरबैग ऑफ ऑन करने के लिए बटन भी मिलता है। ये थी दो हमारी शाही गाड़ियां हमारी शाही फैमिली के लिए। बाकी आप मुझे नीचे लिख के बताओ कि आपको अगली बार कौन सी कार चाहिए, स्पोर्ट्स या फिर मिनी। वो सारी ख्वाहिश हम आपकी पूरी करने की करेंगे। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।